मंगलसूत्र को विवाह का प्रतीक चिन्ह और सुहागिन की निशानी मानी जाती है, इसलिए विवाह के बाद सुहागिन स्त्रियां इसे श्रद्धा पूर्वक गले में धारण करती है। महिलाएं इसे अपने से अलग तभी करती है जब पति इस दुनिया में ना हो या दोनों के बीच संबंध समाप्त हो जाए। मंगलसूत्र धारण करने का यह नियम परंपरागत तौर पर सदियों से चला आ रहा है। इसके पीछे मंगलसूत्र में मौजूद चमत्कारी गुण का होना है। तो आइए जानते हैं कि मंगलसूत्र पहनने से क्या लाभ होता है। नंबर एक, मंगलसूत्र का पीला धागा और सोना या पीतल बृहस्पति का प्रतीक होता है। इसके धारण करने से महिलाओं का बृहस्पति मजबूत होता है। नंबर दो, काले मोतियों से महिलाएं और उनका सौभाग्य बुरी नजर से बचे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले वस्तु पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ती है। मंगलसूत्र में जो काले मोती होते हैं वह महिलाएं और उनके पति दोनों की रक्षा करते हैं। नंबर तीन, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माँ पार्वती का होता है और काला हिस्सा भगवान शिव का होता है। शिव जी की कृपा से महिला और उसके पति की रक्षा होती है और माँ पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। नंबर चार, मंगलसूत्र या तो स्वयं से खरीदना चाहिए या अपने पति से लेना चाहिए। किसी अन्य से मंगलसूत्र लेना सही नहीं रहता है। नंबर पाँच, मंगलसूत्र धारण करने से पहले इसे माँ पार्वती को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही इसे धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।